छह साल पहले सिमडेगा जिले में एक अध्यापक के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नीरज कुमार ने कालेश्वर महतो को दोषी पाया और आज इसे सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी पर 98,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। FIR के मुताबिक महतो ने अध्यापक मनोज कुमार का 26 नवंबर 2016 को अपहरण किया और अगले दिन उसका शव एक जंगल में मिला। मृतक के परिवार ने संबंध में झारखंड के पूर्व मंत्री इनोस गुप्ता और अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया और एक को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।